नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के लिए के जो हम करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जनवरी महीने का जो है ये चौथा लेक्चर है और हर दिन हम लोग 10-10 क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले भी कहा कि 10-10 क्वेश्चन का मतलब है 10-10 टॉपिकों को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है चीजें करंट अफेयर से आ जाए। हो सकता है कि करंट अफेयर्स से संबंधित होकर वो जीएस के कुछ पूछ ले, ठीक है। तो लगातार मैं डिस्कस करता रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी उसी को समझ पा रहे होंगे। सिविल सर्विसेज एग्जाम है, ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग खोल के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी शुरू करने से पहले अभी कह देता हूँ कि 100 दिन रह गए भाई पीसीएस के लिए, 100 दिन रह गए हैं पीसीएस प्री के लिए, और जम की तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर्स आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। 40-45 सवाल होते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं, ये इसमें जितने सवाल ये राइट करोगे आप, उतनी पॉसिबिलिटी आपकी सफल हो जाएगी, मतलब सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम रहे, जितने कम हुए उतनी कम पॉसिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि अगर मान लो 40 में से 20 ही सवाल राइट हो पाते हैं तो 20 सवाल को आप कॉम्पेंसेट किस सब्जेक्ट से करोगे, वो आपके पास प्लान इतना आसानी से होता नहीं है, फिर आपको मुश्किल सवाल से भरना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। मैं लगातार करंट अफेयर्स को यहाँ पे दे रहा हूं, मैं आपको उसको पढ़िए, और भी कोई सोर्स हो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। किसी को दिक्कत आ रही हो अभी, तो अभी भी कह रहा हूं मैं कि 100 दिन का समय है। क्रैश कोर्स जो है वो अभी मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, देखो ये क्रैश कोर्स का आगे नीचे है, क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर कॉन्टेंट की आपके पास कमी है, क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से आपको तैयारी कराई जा रही है, और जिसकी जिन्होंने अगर पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर कंप्लीट कर रखी है, तो उनको मैं बोलूंगा कि वो मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन वो भूलना नहीं है, चीजें याद होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों के अंदर हर चीज एक एक टॉपिक कराया जाता है, साथ में आपको करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दी हुई है, अब वहां पर बात कर लेते हैं, वहां पर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं। मैं रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल, ऐसा ऑयल जो कि कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, किसने इंडियन आर्मी को दिया है, किसने इंडियन आर्मी को दिया है? तो आंसर है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम ने ऐसा केरोसिन ऑयल बनाया जो कि कम धुआं देता है, ठीक है। अब ये तो सवाल करंट अफेयर्स का आ गया, लेकिन ये आप समझो कि बहुत पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है जीएस को लेकर। जैसे कि अगर मैं आपसे यहां बोलूं, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, आप लोगों ने हो सकता है कि फिजिक्स में पढ़ा हो या केमिस्ट्री में पढ़ा हो इस चीज को, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल यानी कि गड्ढा खोद कर जो आप तेल निकालते हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। अब उसके अंदर कई चीजें होती हैं, वो काला काला सा होता है, ऐसा नहीं कि आप उसको आप खाली अपनी गाड़ी में डाल दोगे और वो गाड़ी चल पड़ेगी, ऐसा नहीं हो। उस क्रूड ऑयल को इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से हम अलग अलग उसके जो अंदर चीजें होती है वो निकालते हैं, तो उसको हीट करते हैं, और उसकी हीट करने के बाद जो वेपर्स बनते हैं वेपर, तो सबसे हल्का वाला वेपर जो होता है वो सबसे ऊपर जाकर निकल जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन सबसे पहले जाकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो ठंडे हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं दूसरे वाले। अच्छा, ये पाइप ऐसे होता है, इसमें ये पाइप यहां पर हो जाएगा, फिर ये वाला पाइप इसमें हो जाएगा, तो अलग अलग चीजों में वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो पहले ब्यूटेन प्रोपेन आ गया, फिर आ गया पेट्रोल आ गया, देन केरोसिन ऑयल हो गया, देन डीजल हो गया, और बाकी चीजें हो गई है। सवाल कैसे बनेगा कि क्रूड ऑयल क्या चीज है, क्रूड ऑयल को किस तरह से करते हैं, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो गया। अगर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के अंदर भी अगर वो बोलेगा कि अगर यूज किया क्रूड ऑयल, तो सबसे पहले क्या निकल रहा है, बाद में क्या निकल रहा है, बाद में क्या निकल रहा है, हो सकता है कि इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है वो, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसको मैं अगर इकोनॉमी से जोड़ू, इंडियन इकोनॉमी जोड़ू, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं तो पेट्रोलियम करते हैं, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इस क्रूड ऑयल से जो ये बनता है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, एस्पार्ट, ये सब से जो चीजें बनती हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सवाल आपका इंडियन इकोनॉमी से आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं दिमाग खोल कर पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पीसीएस प्री कोई मुश्किल चीज नहीं है, आराम से निकल जाएगा। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट। एक ना राज्य है बिहार ने कास्ट सर्वे कराया है, जातिगत जनगणना से कहते हैं,
वो बिहार ने किया है। बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है। मैटर ये है कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ओबीसी कितने लोग हैं, बेसिकली ये है कि किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन पीछे का ये है कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर कितने लोग आते हैं। अलग अलग आंकड़े रहे हैं, अलग अलग एक दो सर्वे हुए थे वहां पर भी, जैसे कि आपका मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था, तो उस समय भी मंडल कमीशन ने कहा था कि हमारे पास डेटा नहीं है जिससे कि हम जान पाए कि कितने ओबीसी हिंदुस्तान के अंदर हैं। अभी जब मंडल कमीशन ने कहा था कि हम लोग 1931-32 का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने कराया था, उसके बाद से जनगणना ही नहीं हुई है कितनी पॉपुलेशन है, तो उस समय उन्होंने बोला था कि भले ही आज हम मतलब 1870s की बात हो रही है, तो उस समय उन्होंने 1932 का डेटा यूज किया था, बोला था कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी का, लेकिन ये हमें हमारे पास ही बहुत कम नॉलेज है और हम सरकार को बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब जल्दी से जल्दी सर्वे कराइए और रियल डेटा लेकर आइए। अब इसके पीछे काफी पॉलिटिक्स आ जाती है, लोग बोलते हैं कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि ओबीसी जो है वो 27% है, कुछ बोलते हैं 30% है, कुछ बोलते 40% है, कुछ बोलते हैं कि 60-70% है। तो 60-70% वाले बोलते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि 70% ओबीसी हैं, तो कम से कम 70% पे तो आपका रिजर्वेशन होना चाहिए ना, या रिसोर्सेस का होना चाहिए, या पॉलिटिक्स में इसको यूज कर पाएंगे, वोट बैंक के रूप में यूज कर पाएंगे। तो ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसके पीछे कई लेयर्स है। फिलहाल मैंने मोटा मोटा आपको दे दिया। तो बिहार ने इसको जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, ठीक है, एग्जाम में करंट के लिए जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट अ स्पेशल वर्चुअल समिट कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अभी अपने आप में सवाल आता है, पहले तो ये करंट अफेयर्स देख रहे थे, करंट अफेयर्स में बोल क्या रहा है। देखिए करंट अफेयर्स बोल रहा है कि भैया कौन सा देश है जिसने की कौन सा देश है जिसने की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो कर दी, तो वो इंडिया, इंडिया ने इसको किया हुआ है, ठीक है। दो बातें बोलूंगा, पहले समिट का मतलब ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो हेड होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो समिट ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक वर्ड आ रहा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल साउथ का मतलब ये नया टर्मोलॉजी है, और समझ के चलिए कि यूपीपीसीएस मेंस लिखने वालों को या इंटरव्यू देने वालों को ये शब्द से रूबरू होना पड़ेगा कई तरह से, तो थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए इंडिया ने टर्म रखा है कि हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन सभी डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की। तो अब इसको दे दिया कि भाई देखो ये हो गया आपका लाइन हो गया, यहां पर ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ वालों को डेवलप्ड देख लिया गया और जितने भी साउथ में वो उनको एक वर्ड दे दिया, इसका नाम है ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो आप ग्लोब में देखोगे तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है दुनिया का, ये वाला हिस्सा जो है ज्यादातर ये हिस्सा जो है वो डेवलपिंग है, कंट्री ऐसी कंट्री है जो अभी डेवलप हो रही है, ठीक है, और ये जो कंट्री है ये डेवलप हो चुकी है। तो इंडिया कह रहा है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है बात कर रहे हैं कि पूरे डेवलपिंग कंट्रीज का उद्धार होना चाहिए, तो उनका एक वॉइस कहते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है मोदी जी ने किया। बट अब इसको इसके कई लेयर्स हैं। अब इस बात को समझिए कि जब देश आजाद हुआ तो नेहरू ने नैम स्टार्ट किया, उस समय जब देश आजाद हुआ तुरंत उसको नेम स्टार्ट कर दिया। आज मोदी जी जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे देश के लोगों ने दुनिया को लीडरशिप दी है और दुनिया देखती है हिंदुस्तान की तरफ। तो बात सिर्फ आज की नहीं है, पहले की नहीं है, हमेशा से हिंदुस्तान के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज रही है कि उसने दुनिया को लीडरशिप दी है। अगर और पीछे जाते हैं तो बुद्धा भी यहीं से आए, महावीर भी यहीं से आए, सब लोग यहां से जिन्होंने दुनिया को एम्पावर्ड किया, जागरूक किया। तो ये है। अब इसका ग्लोबल साउथ के कई और लेयर आएंगे, वो मैं से पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको शब्द बता दिया है ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, हम मेंस में देखेंगे अभी नहीं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, विच एडिशन ऑफ द मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ओडिशा फ्रॉम 13 से 29 जनवरी जनवरी करंट अफेयर सही है। तो भैया जनवरी के करंट अफेयर के हिसाब से जो मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहां हुआ, कई बार पूछ चुके हैं, ओडिशा में हुआ, रौरकेला और भुवनेश्वर के अंदर। जीता कौन है, जर्मनी जीता है। हारा कौन है, बेल्जियम हारा है। फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है बेल्जियम। और इंडिया कहां पर है, इंडिया 7वें नंबर पर है, इंडिया क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा, सॉरी 9वें नंबर पर है, इंडिया क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाया था, 9वें नंबर पर ही उसने फिनिश किया हुआ है, ठीक है। यह है
तो ये कौन सा एडिशन था, ये 15वां एडिशन था। ये कौन सा एडिशन है, ये 15 एडिशन था FIH वर्ल्ड कप का। इंडिया आई थिंक एक ही बार जीता है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, सिर्फ इंडिया एक बार वर्ल्ड कप जीता है। और ये बताइए कि अभी ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक हुआ कहां था, और इंडिया ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता था, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। रिसेंटली हाउ मेनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स एंड कॉल सेंटर्स वर इनॉग्रेटेड बाय पुरुषोत्तम रूपाल साहब जो है, उन्होंने पशु चिकित्सा इकाइयां और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कितने उद्घाटन किए हैं उन्होंने, 29 किया। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला ने इनोग्रेट किया 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। मोबाइल मतलब गाड़ी पे चलने वाले, ठीक है, और कॉल सेंटर्स ये है इसमें इनोग्रेट किया हुआ है। अच्छा कि भाई हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया 1962 कि आप अगर कुछ दिक्कत आती है तो कॉल कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी हुई चीजें आ गई है। अब इसी से संबंधित कुछ और सवाल हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देख रहे होगे आप। मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं क्योंकि भाई ये एनिमल हस्बेंड्री, अब एनिमल हस्बेंड्री पर कई सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि पशु कौन से हैं, उनकी बीमारियां कौन सी हैं, वायरल बीमारियां हैं, वायरस की हैं या बैक्टीरिया की हैं, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कौन सी प्रजाति का कौन सा जानवर है, मतलब गाय है तो कई तरह की गाय जो हैं बनाई गई हैं। तो अभी सवाल देखते हैं, एक मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मिल्क के ऊपर इंडिया जो है नंबर वन है, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर नंबर वन है, ठीक है। और स्टेट की बात करते हैं तो नंबर वन स्टेट जो है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर है वो है उत्तर प्रदेश। बट पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति मिल्क की बात करते हैं तो पंजाब नंबर वन है, ठीक है। और अगर पर कैपिटा की बात करते हैं कि एक व्यक्ति को कितना दूध मिल रहा है, तो लगभग 450 ग्राम जो है, अगर आप देख रहे हैं यहां कहीं डेटा लिखा हुआ है, लगभग 450 ग्राम जो है इंडिया जो है दूध पर प्रति व्यक्ति जो है दूध पीते हैं। 427 2021 का है, 2021 का डेटा है ये, 427 ग्राम पर ग्राम पर डे पर व्यक्ति, ठीक है। तो लगभग समझ लीजिए कि आधा किलो दूध एक व्यक्ति को मिल रहा है। अब इसके अंदर आप इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पिक्चर के शौकीन हो तो यूट्यूब पे जाइए, एक पिक्चर है मंथन, 1980s की पिक्चर है मंथन है, बहुत ही आपको डॉक्यूमेंट्री टाइप की लगेगी, बट देखना उस डेयरी के अंदर कोऑपरेटिव डेयरी किस तरह से डेवलप होती है और अमूल किस तरह बनता है। अमूल जो आप कंपनी जानते हैं, किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से पहली बार होता है, और किस तरह इंडिया जो दूध के लिए भी परेशान था वो इतना प्रोड्यूस करता है कि नंबर वन बन जाता है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देखिए, मजा आएगा, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, थोड़ा पिक्चर विक्चर देख के मजा लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च 100 डे यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन। यूपी किसने किया है 100 डे यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन जो है वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आप इसमें देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है फरवरी में होने वाली है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं लखनऊ के अंदर, और यूपी में काफी जो है काम किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को लेकर काफी काम किया जा रहा है। अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जा रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, बहुत सारा MOU लेकर साइन कराया उन्होंने। MOU के मतलब होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि भाई जैसे मान लो कि आप फ्रांस गए तो फ्रांस वाले जो बोलेंगे कि ठीक है हम आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे, करेंगे किया नहीं है, तो करेंगे और किया में दोनों फर्क है। अभी समझिए कि एग्जाम में आपसे हो सकता है ये पूछ ले कितने देशों से MOU हुआ, ठीक है, कितने रुपए का MOU हुआ, कितने करोड़ों में अरबों रुपए में, और FDI एक्चुअल कितना आया, कितना FDI आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। रिसेंटली इन विच स्टेट चेक डैम हैज बीन नेम्ड आफ्टर PM मोदीज लेट मदर हीराबा। जो हीराबेन जो थी, जो मोदी जी की मदर थी, वो 99 साल की उम्र में एक्सपायर कर गई, और गुजरात के अंदर राजकोट एक जगह है, राजकोट सिटी, वहां पर नियारी रिवर के ऊपर एक चेक डैम बना है जिसको अब मोदी जी की मम्मी के नाम पर रख दिया गया है। सवाल क्या बनेगा आपका, कौन सी रिवर, तो नियारी रिवर है, इसके ऊपर चेक डैम बना हुआ है, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विसेज। हाई स्पीड कहां से किया, किस स्टेट में किया, उड़ीसा में स्टार्ट किया उन्होंने, कहां स्टार्ट किया, उड़ीसा के अंदर ये 5G सर्विस स्टार्ट की है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड IT रेलवे अश्विनी वैष्णव साहब ने किया हुआ है। अच्छा अब मुझे यहां पर दो सवाल आते हैं, पहले 4G और 5G का डिफरेंस देख लेते हैं,
ठीक है, पहले तो जी था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया, ठीक है। 2G बेसिकली वॉइस के ऊपर था, 3G 2G आई थिंक वॉइस पे था, 3G थोड़ा सा इंटरनेट आया, 4G से थोड़ा सा और इंटरनेट तेज हुआ, 5G तो और भयंकर इंटरनेट हो गया, ठीक है। इंडिया में लॉन्च हो चुका है, एयरटेल और जियो दोनों ने लॉन्च कर दिया 5G में, कुछ सेलेक्टिव सिटीज में लॉन्च कर दिया है, अभी पूरा नहीं आया है। डिफरेंस की बात करते हैं तो मैं वैसे तो आपको ये सवाल पूछ सकता है, मेन से पूछ सकता है, इस तरह सवाल आ जाते हैं। यहाँ बैंड में देखिए 200 Mbps में है, ये 1 GB/s मतलब कि 1 GB/s के ऊपर ये बैंड में देखिए स्पीड है, हाई स्पीड है, ठीक है। लेटेंसी रेट क्या है, 20 से 30 मिलीसेकंड, ये लेस देन 10 मिलीसेकंड। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि डिले कितना कर, आप गेम खेलो काउंटर, वो खेल रहे हो पबजी में किसी ने गोली मारी, आप 4G चला रहे हो तो डिले जो हो रहा है, डिले कि उसने गोली मारी और आप गोली लगी उसमें, और हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर 4G के अंदर 20 से 30 मिलीसेकंड का हो रहा है, या लेस देन 10 मिलीसेकंड का हो रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बहुत अच्छा है, जहां पर ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर, तो ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत, तो इसीलिए भारत सरकार गेमिंग के ऊपर ड्राफ्ट लेकर आ रही है, और एग्जाम में सवाल आएगा आप लोगों का कि क्या सवाल कर, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है, बहुत बड़ा बूमिंग सेक्टर बनता जा रहा है, और हो सकता है अगले भविष्य में 10 साल जो है, जैसे तो हम लोग IT करते रहते थे, अब IT से निकल गेमिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारा जो मैन पावर वहां पर इन्वॉल्व होगा, बहुत सारा FDI आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनी स्टार्टअप खुलेंगी, बहुत कुछ होने वाला है गेमिंग के ऊपर, ठीक है। नई नई मोबाइल बनेंगे, हार्डवेयर बनेंगे, मजबूत हार्डवेयर बनेंगे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होंगे, काफी कुछ होने वाला है गेमिंग के ऊपर। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि क्या आप गेम खेलना पसंद करते हो, ऑनलाइन गेम, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं तो नहीं पसंद करता भाई, मुझे नहीं अच्छा लगता गेम खेलना, मेरे जो मारियो हुआ करता था, मारियो खेलता था बस, उसके बाद मैं खेला ही नहीं। अच्छा, टेक्नोलॉजी कौन सी है, वाईमैक्स और LTE, अभी ना मोबाइल के ऊपर LTE लिख के आता था, ये 4G का था, और यहाँ पर अभी डेवलप हो रही है। देखिए मैंने कहा था टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी, 5G आ रहा है, वो 5G के लिए कॉम्पेटेबल टेक्नोलॉजी कौन सी, अभी तो काम चला रहा है इससे, लेकिन इसकी अपनी टेक्नोलॉजी बनेगी। इनक्रेडिबल फास्ट डाउनलोड स्पीड पेव द वे फॉर HD स्ट्रीमिंग। आपके पास मोबाइल यूट्यूब पे आप लोग स्ट्रीम होता है, तो 4G के माध्यम से हो पाया, आज से 5-7 साल पहले नहीं हो पाता, वीडियो स्ट्रीम नहीं होते थे, अब होने लगे, और इससे तो अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट चलेगा, लो लेटेंसी, इंप्रूव रिलायबिलिटी रहेगी। लेकिन परंतु मैं फिजिक्स का सवाल पूछ लूं आपसे, और पूछूं आपसे, ये जो आप ये वायर देख रहे हो, इसको हम अगर ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जिसके माध्यम से इंटरनेट आपके घरों तक पहुंचता है, जिसके कारण जियो की स्पीड आगे रही, एयरटेल की स्पीड बाद कम रही और जियो ज्यादा रहा, तो जियो ने अपने ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क बिछाया और इसका एडवांटेज मिला उनको। तो सवाल ये पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी नहीं, कौन सा फिजिक्स का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। होता क्या है, यह इस एंगल से इंफॉर्मेशन, ये लाइट का मतलब है कि डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ऐसे जाते तो ये ऐसे ऐसे करके ना, ये मतलब बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलेगा, टकराएगा क्रिटिकल एंगल से, ये बेंड कर जाएगा, तो ऐसे करके बेंड कर जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से मूव करेगा, तो लॉस जो है बहुत कम है, लॉस कम, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर से जो डेटा आपके पास आ रहा है उसमें लॉस कम होता है, लेकिन जो सैटेलाइट से आता है उसमें लॉस ज्यादा होता है, एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसमें होता है, ठीक है। इसलिए जियो की स्पीड तेज रहती है, जियो जो है इंटरनेट का तेज है। तो कौन सा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑप्शन में होगा, रिफ्रैक्शन गलत मत करके आना, रिफ्लेक्शन करके आना, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स फॉर द सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो पहला सवाल तो ये बन गया कि भैया सुन्नी डैम कहाँ है, वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लगभग 2614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सुन्नी डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर, सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो का मतलब। अब सवाल मैं आपसे पूछूं फिजिक्स का इसी के अंदर, कि भैया मान लो ये डैम है, मेरी ड्रॉइंग बड़ी खराब है, डैम है, और यहां से पानी छोड़ा गया, तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है।
तो आप पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, चलो आप बताना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये तो ये कहां कहां पर होंगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपको बताना है, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सिचुएशन क्या रहेगी, ये आपको बताना है, और छोड़ो आप, और ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये आपको बताना है। और अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं MgH, तो ये फॉर्मूला किसका है, और हाफ Mv स्क्वायर, तो ये इन दोनों में, ये दोनों में से कौन सा है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि फिजिक्स के सवाल आएंगे और बेसिक आएंगे, तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको, नहीं आती हैं तो किसी को बताइएगा नहीं, चुपचाप जाके इंटरनेट पर सर्च करके सीख जरूर लेना, लेकिन छोड़ना नहीं टॉपिक ये, ठीक है, क्योंकि सवाल बड़े बेसिक बेसिक से आते हैं। और अगर मैं इसको ज्योग्राफी जोड़ दूं, तो भैया ये सतलुज नदी बन रहा है, सुन्नी डैम कहां बन रहा है, सतलुज नदी के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यहां से निकल के आ रही है, देखो तिब्बत से निकल के आ रही है। तो पहले समझिए कि इंडस की जो है पांच नदियां कौन सी हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है, इसमें से देखो आप, ये चेनाब बाहर से आ रही है, इंडस बाहर, इंडस यहां से आ रही है, सतलुज बाहर से आ रही है, मतलब हिमालय बनने से पहले से आ रही है, सतलुज पहले बहती थी, हिमालय बाद में बने, आप देख रहे हो हिमालय बाद में बने, सतलुज और सतलुज पहले आ चुकी है। तो अगर आपसे ये पूछ ले, जो कि पूछा गया है इंडियन ज्योग्राफी में, ऊपर से लेकर नीचे तक इसके सीक्वेंस क्या होगा, तो पहले होगा इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, इस तरह से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, एग्जाम में सवाल ऐसा आता है। फिर मैं आपसे बोलूंगा 1960 का वर्ल्ड बैंक द्वारा जो एक एग्रीमेंट कराया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि अभी आजकल बड़ा विवादों में हुआ है, तो उसके हिसाब से कौन सी नदियां जो है उस वो पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं और कौन सी नदियां हिंदुस्तान के हिस्से में आई हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे नहीं पता, मुझे वर्ल्ड बैंक का जो वाटर एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जो कि अभी विवादों में चल रहा है, इंडिया ने कहा कि इसको रिन्यू कराना है हमें, तो वो आप मुझे कमेंट में लिखो आप, ठीक है। चलिए, इन विच स्टेट डिड अमित शाह इनॉग्रेट द 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू, एक पोलो खेलते हुए खिलाड़ी का स्टैचू जो है अमित शाह जी ने वो इनॉग्रेट किया है, कहां किया, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में जो इनके जो मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह, ठीक है, एन बीरेन सिंह, पोलो घोड़े पे चलते हैं, बॉल जो हॉकी तरह, हॉकी तो पैदल पैदल आप पैदल चलते हो, घोड़े पे भागते रहते हो और डंडे से स्टिक मारते हो, तो त्रिपुरा में क्यों हुआ, तो त्रिपुरा का माना जाता है कि ये बर्थ प्लेस है पोलो की, ऐसा ही वहां के लोगों का कहना है कि बर्थ प्लेस है पोलो की, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑपरेशन पोलो की बात करूं, मैं क्या बात करूं, मैं ऑपरेशन पोलो, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भैया ये ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, किस चीज से। तो पोलो का स्टैच्यू तो आपका मणिपुर से संबंधित है, बट ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नहीं आता तो प्लीज मुझे बोल देना, सर मुझे नहीं पता, बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल आया हुआ है। खत्म करने से पहले दोस्तों, क्रैश कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, अब ना चूको चौहान से 100 दिन रह गए हैं। अगर 2023 में कुछ भविष्य उज्जवल करना चाहते हो, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, तो 100 दिन का यूज कीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूं 100 दिन कम नहीं होते हैं, आप अपनी उम्मीद से बेहतर करके आओगे, बस 100 दिन को आप इस्तेमाल कर ले जाओ, और मैं मेरा जो प्रोसेस मैंने बनाया हुआ है उस प्रोसेस से आप यकीनन अच्छा करके आओगे। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।